बात करेंगे कोयला चोरों में न जाने किसका डर समा गया है। दरअसल राज्य की व्यवस्था, चाहे वो ईडी के कारण हो, चाहे राजनीतिक उथल पुथल के कारण हो, सीबीआई के कारण हो, इनकम टैक्स के कारण हो, निगरानी के कारण हो, पुलिस विभाग के कारण हो, लेकिन राज्य की पूरी व्यवस्था फिजा थोड़ी बदली बदली नजर आ रही है। कोयला चोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। धनबाद से लेकर चतरा तक में सिमरिया में रेड पड़ जाता है, चतरा में कोयले के ट्रक पकड़े जाते हैं, बाघमारा में कोयले की गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, झरिया में कोयला पकड़ा जाता है, अवैध कोयला, कई टन कोयला पकड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा नजारा बदलता सा दिख रहा है। जो धनबाद कभी मशहूर होता जा रहा था कोयला चोरों के आतंक के लिए, आज उस धनबाद में पुलिस सड़क पर दिखाई दे रही है, खाकी में सख्ती दिखाई दे रही है। इसके पीछे तकनीकी कारण क्या है, इस पर तो पेच है, इस पर तो अभी चर्चाओं का बाजार गर्म है, कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो भी नवनियुक्त पदाधिकारी आ रहे हैं वो अभी किसी तरीके के जोखिम उठाने की स्थिति में शायद नहीं है। और धनबाद का जहां तक धनबाद की बात करें, कोयला चोरी के मामले में धनबाद ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इस बार धनबाद की केवल बात हो रही है कि पीआईएल दर्ज करने की अब बात सामने आ रही है कि 50,000 करोड़ से ऊपर के कोयला चोरी को लेकर पीआईएल दर्ज की जाने की तैयारी है। और इस मामले में कई पुलिस पदाधिकारियों के हाथ भी सामने आने की बात आ रही है। अब यह पूरा मामला जांच का विषय बन जाएगा। अगर इस मामले में पीआईएल होता है या एफआईआर होता है, चूंकि मामला खनन से जुड़ा है, पत्थर के खनन की जांच कर रही ईडी अभी सिर्फ 1,250 करोड़ के खनन तक पहुंची है। और अभी यहां हम कोयले की बात कर रहे हैं तो 50,000 करोड़ के कोयले के अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन का मामला सामने आ रहा है। निश्चित तौर पर मामला गंभीर है। पहले देखिए यह रिपोर्ट, उसके बाद रुख करेंगे अपने सहयोगी का। कोयलांचल में कोयले के काले कारोबार पर नकेल, अवैध खनन और कोयला चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। कोयलांचल में कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर पुलिस का सिकंजा कसता जा रहा है। जिस धनबाद में कोयला चोरों का खौफ बढ़ता जा रहा था, आज उसी धनबाद की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। राज्य के लोगों में इस बात को लेकर खास चर्चा है कि धनबाद समेत पूरे राज्य का नजारा बदलता कैसे जा रहा है। पर्दे के पीछे कहीं ईडी की लगातार दबिश और राजनीतिक अस्थिरता तो नहीं है, ऐसे सवाल खड़े होने लगे। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार के तबादले के साथ कोयला चोरों पर लगाम कसने की कवायद तेज कर दी गई। धनबाद में 50,000 करोड़ की कोयला चोरी का मामला भी तूल पकड़ने लगा है और वर्तमान में राज्य के भीतर शराब, जमीन, पत्थर समेत अन्य मामलों की जांच कर ईडी का खतरा अब कोयले के अवैध खनन पर भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जो लूटा है उनके ऊपर तो कोई सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिर वो दाग कैसे मिटेंगे? अब उनको तो प्रमोशन करके फिर कहां दुमका पर क्षेत्र में पदस्थापित किया। जिला प्रशासन की लगातार कोयला चोरों के खिलाफ चल रही मुहिम पर कोयला चोरों में हड़कंप मचा है। धनबाद डीसी ने साफ कहा है कि कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम के द्वारा कंटिन्यूअसली कार्रवाई की जा रही है। अभी पिछले विगत 3-4 दिनों में भी काफी बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं और हम लोगों की कोशिश यही है कि आने वाले समय में भी हम लोग जो है सो अवैध खनन और परिवहन जो है उसके खिलाफ जिला प्रशासन टास्क फोर्स की कार्रवाई चलती है। धनबाद के गोविंदपुर में सुपर हार्ड कोक पर छापा, 700 टन कोयला जब्त। तीसरा में डीपू धौड़ा में छापेमारी, करीब 30 टन अवैध कोयला जब्त। तेतुलमारी में अवैध कोयला लदे 3 ट्रक और कोल डिपो से 95 टन कोयला जब्त। बाघमारा में करीब 300 टन, झरिया में 100 टन अवैध कोयला जब्त। भूली ए ब्लॉक में भी 30 टन कोयला जब्त। गिरिडीह में भी हाल के दिनों में अवैध कोयला लदे कई ट्रक जब्त। चतरा में अवैध कोयला लदे 8 ट्रक जब्त, 4 गिरफ्तार। धनबाद के पुलिस कप्तान क्या बदले, तस्वीर बदलने लगी। कोयला चोरी पर लगाम लगने लगी, कोयला के काले कारोबार पर सिकंजा कसने लगा। लेकिन इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है? क्या ईडी की लगातार कार्रवाई ने उड़ा दी है कोयला चोरों की नींद? क्या राजनीतिक अस्थिरता की अटकलें बन रही हैं सफेद पोशों का खौफ? क्या चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की छवि को सुधारने का प्रयास तेज किया जा रहा है?
जिला प्रशासन की टीम अब कोई रिस्क उठाने को तैयार नहीं। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अशोक की रिपोर्ट। देर से ही सही, धीमे ही सही, लेकिन कोयला चोरी के जिन मामलों को हम लगातार उजागर करते रहे, अब उन पर कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। जो बरामदगी हमने आपको दिखाई, ये अभी हाल की बरामदगी है। धनबाद एसएसपी संजीव कुमार के बदले जाने के बाद वहां जब कुनबा बदलता है, नए पुलिस अधीक्षक आते हैं, नए सीनियर एसपी आते हैं, उसके बाद की यह बरामदगी है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अब रिस्क उठाने को तैयार नहीं है, और ऊपर लेवल पर जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, इसका प्रभाव सीधे सीधे अधिकारियों पर देखने को मिल रहा है कि अधिकारी स्वतंत्र होकर अपना काम कर रहे हैं। जुड़ेंगे अपने सहयोगी अशोक के साथ। अशोक, धनबाद की फिजा बदली बदली सी नजर आ रही है। अशोक, कोयले के कालो काले कारोबार में लगे लोगों को आखिर किसका डर सताने लगा? उन्हें तो खाकी का भी खौफ नहीं था। बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरह अवैध कोयले को लेकर लगातार अभियान जारी है, तो कहीं ना कहीं जो है आम जनता भी इस बात को सोचने के लिए परेशान हो गई कि आखिर ऐसा कौन सा सत्ता आ गया, ऐसा कौन सा सरकार आ गई, ऐसा कौन सा पुलिस वाला अधिकारी आ गए कि लगातार जो है इस तरह का अभियान चल रहा है। बीच बीच में आप देखेंगे एनएच को रोक दिया जा रहा है, पूरी तरह से जांच समीक्षा की जा रही है, जांच की जा रही है, पेपर जांच किए जा रहे हैं कि हम यह कहें कि अब लोगों को पता चल गया है कि सत्ता तो नहीं गई है, सत्ता का परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के जो एसएसपी नए आ गए हैं और उन्होंने जिस तरह फरमान जारी किया है तमाम अधिकारियों को, और यह कहा गया है कि अगर किसी के इलाके में अगर अवैध कोयला अगर मिलता है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसी के साथ साथ आपको याद भी होगा कि दो दिन पहले दो थाना प्रभारी सहित 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर करने के बाद एक मीटिंग आयोजित की गई नया कलेक्ट्रेट में। अब साफ तौर पर एसएसपी ने निर्देश दिया, उस समय सिटी एसपी थे, ग्रामीण एसपी थे, तमाम डीएसपी थे, इंस्पेक्टर थे, थानाध्यक्ष थे, साफ निर्देश दिया गया कि 24 घंटे के अंदर हमको रिपोर्ट चाहिए कि किस इलाके में कोयले का अवैध कारोबार चलता है और कौन कौन लोग चलाते हैं। अब उससे जो है अज्ञात मामला नहीं दर्ज होना चाहिए बल्कि चाहिए। यही कारण है कि आपको कई थाने में जो है नामजद प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं वैसे कोयला माफियाओं के खिलाफ जिनके ऊपर पुलिस तैयार करने की बात नजर उठा के भी नहीं देखी। ईडी का जिस तरह झारखंड में लगातार छापेमारी चल रही हो, शराब का मामला हो, बालू का मामला हो, इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। यह कहा जा रहा है कि अगर कहीं ईडी की धमक होती है या सीबीआई की धमक होती है, तमाम सरकार की एजेंसियां हैं जिसका भी यहाँ धनबाद में हो सकती हो, इसका भी कहीं ना कहीं डर सताया जा रहा है कि पूरी तरह से अगर भी है तो बड़े अधिकारी तो बच सकते हैं लेकिन छोटे अधिकारी किसी भी हालत में नहीं बचते जाएंगे न बचेंगे। यही कारण है कि पूरी तरह से जो है समाज की तो एक तरफ ईडी राज्य में अवैध खनन की जांच कर रही है, दूसरी तरफ जमीन घोटाले की जांच कर रही है, तीसरी तरफ शराब घोटाले की जांच कर रही है, अब क्या कोयले की तरफ भी ईडी के कदम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? अशोक, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, कारण कि देखिए लगातार आए दिन लोग लगे हुए हैं कि आखिर जितने बड़े बड़े देखिए जो लोग आज से 2 साल पहले बाइक से चलते थे आज फॉर्चूनर गाड़ी तमाम लग्जरी गाड़ियों से चल रहे हैं, आखिर उनके पास पैसा कहां से आया। दूसरी बात कि यहां जो विपक्ष पूरी तरह से लगा हुआ है, विपक्ष ये भी कह दिया है कि हम किसी भी हालत में यहाँ जो है हम ईडी का जांच करवाएंगे और इसके पहले जो भी आला अधिकारी थे और उनसे जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी जगह जो जेल में होगी। तो हम
यह कहें कि जिस तरह विपक्ष लगा हुआ है, और यही नहीं पीएलआई भी मामला दर्ज करने की आ रही है नौबत की, ताकि कोई भी पीएलआई दर्ज करा सकता है। कारण कि दिक्कत यह है कि अगर ये है कि आखिर जिस तरह बताया जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए का यहां से घोटाला हुआ है कोयले का, और आपको याद भी होगा इसे कि केंद्र सरकार ने एक बार नोटिस जारी किया था यहां के बीसीसीएल के अधिकारियों को कि आप कोयला का इसको कोयला का थोड़ा सा भंडार रखें, कारण कि कोयले की कमी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह कोयले की लगातार चोरी हो रही थी, और इसमें यह भी बताया जा रहा था कि जो राज्य के पुलिस कर्मी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी पुलिस का अधिकारी हैं, और ये लोग बीसीसीएल के कर्मियों पर चढ़ के कोयला की चोरी करवाते थे, और बीसीसीएल के अधिकारियों के हिम्मत में होती थी कि उनके खिलाफ आवाज उठा दे। तो आपको याद होगा कि जब आवाज उठाया गया था कि निरसा में सीआईएसएफ की टीम पर हमला बोला गया था, यानी एफआईआर तो जल्द दर्ज हुआ लेकिन कार्रवाई कुछ हुआ, जिस तरह कोयला माफियाओं को जेल जाना पड़ा लेकिन उनको विटनेस के अभाव में कहीं ना कहीं उनको बेल मिल जाती है और फिर से कोयला का जो कारोबार शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि पुलिस खुद जो है जिस तरह मामला दर्ज कर रही है और पुलिस को विटनेस बना रही है कि आपको गवाही की देने भी होगी तो आप स्वयं जाकर वहां गवाही देंगे। तो अब नए तरीके से नए सिरे से जिस तरह का यहाँ पर अभियान चल रहा है, अगर उसे किसी तरह अभियान चलता रहेगा तो आने वाले समय में जिस तरह धनबाद पर अशोक अभियान तो चलता रहेगा, लेकिन 31 दिसंबर को जब गांडे की सीट खाली हुई उसके बाद कई तरह के विकल्प बताए गए, लेकिन सरकार के सत्तारूढ़ दलों के विधायकों ने एकजुट होकर कह दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं, काबिज रहेंगे सीएम। और अगले ही दिन झामुमो के विधायक पहुंच जाते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं चुनाव कराने की मांग करने लगते हैं, जबकि मार्च अप्रैल की तिथि में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले एक आई वॉश की स्थिति क्रिएट की जा रही है अशोक, ताकि छवि जिला प्रशासन की, सरकार की और अन्य राजनीतिक दलों की छवि साफ हो सके जनता के नजरों में? कल्याण आए थे कार्यक्रम में, उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने साफ तौर पर वहां शिकायतें मिली थी या जेएमएम के कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत की गई थी कि यहाँ के जो एसएसपी और पुलिस प्रशासन की काफी शिकायतें मिल रही है जिससे सरकार की किरकिरी हो रही है, और 2024 में एक नहीं बल्कि दो चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव भी होना है, लोकसभा चुनाव भी होना है, इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि तमाम जो है अधिकारियों को जिस तरह तबादला यहाँ से किया गया है, एसएसपी को यही किया गया है दिखाने के लिए कि नई सरकार स्वच्छ है, साफ सुथरा है, गरीबों की सरकार है, किसी प्रकार का घोटाला नहीं करते। आज दिन आप देख भी सकते हैं कि जिस तरह ईडी की चरमारी चल रही है, बार बार हेमंत सोरेन का बयान आ रहा है कि मैं गरीब का बेटा हूं, मुझे परेशान किया जा रहा है, तो एक तरह की इस बात को देखिए इमोशनल एक बयान दिया जा रहा है कि ताकि जनता जो है मेरे पक्ष में आए, ताकि मेरी सरकार न गड़बड़ाए। 2024 में जिस तरह झारखंड में सरकार है, जेएमएम का सोच जेएमएम पर जो सरकार अभी है 2024 में बरकरार रहे, लेकिन जनता तमाम बातें समझ चुकी है, जनता को फैसला करना है कि आखिर किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार जाएगी, तो इसी को लेकर जो है निश्चित तौर पर ये फैसला जनता को करना है कि सरकार किसकी आएगी या सरकार किसकी जाएगी। लेकिन जो नजारे सामने दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं सुखद है, झारखंड को लूट लिया गया है, झारखंड को लगातार खसोटा जा रहा है, पिछले 23 सालों से झारखंड इस लूट और खसोट का शिकार बनता जा रहा है, राज्य के युवा बेरोजगार हैं, राज्य में कृषि की संभावनाएं कम होती जा रही हैं, और राज्य जो प्रचुर खाद्यान्नों के लिए मशहूर माना गया है पूरे देश में, वहां से खाद्यान्नों की चोरी रुकने की नाम नहीं ले रही, माइंस की चोरी रुकने की नाम नहीं ले रही, जो स्थिति ऐसी बन गई है कि अब जनप्रतिनिधि भी, चाहे विपक्ष के जनप्रतिनिधि हो, चाहे सत्तारूढ़ दलों के जनप्रतिनिधि हो, वो भी सड़क पर उतर गए हैं और वो भी मांग करने लगे हैं, और कहीं ना कहीं जब आरोप पुलिस पर लगते हैं, वरीय पदाधिकारियों पर लगते हैं, तो मामला गंभीर हो जाता है, और उससे भी ज्यादा मामला गंभीर तब हो जाता है जब पदाधिकारियों के तबादलों के बाद जिलों की स्थिति में सुधार नजर आना साफ दिखाई देने लगता है कि जिलों में सुधार किया जा रहा है, लगाम लगाने की, अपराध को लगाम लगाने की, कोयला चोरी पर लगाम लगाने की प्रयास किए जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद अशोक आपका। तो कोयलांचल की फिजा बदल रही है, पहले कोयला चोरी के मामले सामने आते रहते थे,
पहले आए दिन बताया जाता था कि कोयला यहां से निकलकर गाड़ियां दूसरे जिलों में पकड़ी गई है, अब उसी जिले में कम से कम छापामारी तो शुरू हुई। हालांकि ये दस्तूर कितने दिन तक चल पाएगा ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी कई सारी स्थितियां ऐसी हैं जो विपरीत परिस्थितियां जिनको हम कह लें, चाहे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की दबिश कह लें, चाहे राजनीतिक अस्थिरता कह लें जो गांडे की सीट खाली होने के बाद पैदा हो गई है, या कोर्ट में दायर होने वाले पीआईएल की बात कर लें जिसकी तैयारी की जा रही है। ढुल्लू महतो बागमारा के विधायक खुले तौर पर कह चुके हैं कि 50,000 करोड़ से ज्यादा की कोयला चोरी हुई है, जंतर मंतर पर जाकर धरना देने तक की बात कर चुके हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कोयलांचल का और खास तौर पर धनबाद का क्या होता है, जाने क्या होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।